आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज। खबर बावल से है, जहां रसियावास रोड स्थित नियर रेलवे फाटक एक मिठाइयों के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रेड कर एक गोदाम में रखी 95 क्विंटल भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयों और साथ में 13 क्विंटल दूध को बरामद किया। मौके से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिठाइयों सहित अन्य पदार्थों के नमूने भरे हैं तथा सभी को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी एसआई सावल राम व एसआई सतबीर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर सचिन शर्मा की टीम ने रसियावास रोड रेलवे फाटक में स्थित गोदाम पर छापेमारी की। टीम द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि नियम के तहत 1000 से लेकर 5 लाख तक जुर्माना और 10 लाख तक की सजा का प्रावधान है। ओके, माहौल को देखते हुए यहाँ पे सीएम फ्लाइंग के साथ जो पिछले कई दिनों से हमारी कार्रवाई चल रही है मिठाइयों को लेके मिलावट की रोकथाम के लिए, उसी का एक ही पार्ट है। आज हम बावल में यहाँ पे रसियावास रोड पर हमने एक मिठाई के गोदाम पे निरीक्षण किया है और छापेमारी की है, जिसमें अभी तक 6 सैंपल हम ले चुके हैं और आगे भी कार्रवाई चल रही है। लगातार सैंपलिंग जो की जा रही है, उसके बावजूद भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे बच रहे हैं, क्या उन स्थानों तक की टीम पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। हमें जहां जहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहां पे बड़े बड़े लेवल पर मिठाई का मतलब मिलावट का कारोबार हो रहा है, वहां पे हमारी टीम जरूर पहुंचती है। बाकी हमारी रूटीन सैंपलिंग हम करते रहते हैं, उसके अलावा अगर स्पेशल हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सीएम फ्लाइंग के साथ में हम हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक जैसे अभी यहां सैंपलिंग चल रही है, आपने देखा होगा कि गंदगी भी देखी गई है यहां पर, तो उसको लेकर क्या कुछ? उसके लिए हम इनको निरीक्षण करते हैं, हर एक जितने भी कैंपस होते हैं जहां पे मिठाइयां वगैरह बनती है, जो जरूरी निर्देश है उनको हम दे देते हैं, लाइसेंस वगैरह चेक कर लिए जाते हैं उन सब चीजों का। तो समय समय पर इस चीज के लिए हम लोग निरीक्षण भी करते हैं, इनकी सैंपलिंग भी करते हैं, जो कमियां होते हैं उनको बताते भी हैं, अगर कोई नहीं उसको पूरी करता है तो उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। तो अभी की खास खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए दैनिक दिल्ली न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज।